है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटें कैसे जीते, क्योंकि जिस तरह की हालात हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रही है और विपक्ष की आवाज़ न उठे उसको दबाने का काम कर रहे हैं। आज लोकसभा जहां पर बहस इस बात की होनी चाहिए कि महंगाई कैसे रुकेगी, बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगी, लेकिन दिल्ली की सरकार जो किसानों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, उस पर बहस नहीं करना चाहती है। और जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं, अगर आज देश की आर्थिक व्यवस्था पीछे जा रही है तो उसकी जिम्मेदार भारत सरकार है, भारत सरकार जिम्मेदार है। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा आज 5 बजे, और क्योंकि उनसे क्या बात होगी ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन उनसे मैं मिलूँगा ज़रूर। आपका प्रस्ताव क्या रहेगा उनको? ये हमारी उनकी बात होने दो, लेकिन यूपी और देश से भारतीय जनता पार्टी हटे। अपोजिशन अलायंस का चांसेस कितना परसेंट है? देखिए, ये प्रेस के लिए सवाल हो सकता है कि अपोजिशन अलायंस, लेकिन पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। सीबीआई और ईडी जांच चल रहा है, काफी सारे कांग्रेस का। देखिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगातार पॉलिटिकल है, यहाँ तो चलो कम लोग जेल में हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक नेता जेल में झूठे मुकदमों में है, और भारतीय जनता पार्टी जिस दल से घबरा जाती है उसके घर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज देती है।